माजरहाट ब्रिज हादसे के बाद शहर के बाद एक पुलों के पोल खुलते नजर आ रहे हैं। कहीं दरारें पड़ी दिख रही हैं, तो कहीं जर्जर हालत में है। खतरनाक हालत में पड़ा है दुर्गापुर ब्रिज, जिसे चूहे अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रिज अंदर से खोखला हो जाए तो क्या हो सकता है। अभी हम खड़े हैं दुर्गापुर ब्रिज के ऊपर। माजरहाट ब्रिज हादसे के बाद ये मात्र ऐसा एक ब्रिज बचा है जो बेहला और कोलकाता से आने जाने वाले लोगों के लिए एक सहारा बना हुआ है। मगर देखा जा रहा है कि इस ब्रिज की भी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं। पहले की तुलना में यहाँ से कुछ ज़्यादा ही ट्रकों का आवागमन शुरू हो गया है। ऐसे में इस ब्रिज का भविष्य क्या होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। पोलर दिखते एम गाजगुनो बेचे मान पाँचिल टाचिल सब फेटे फूटे एक एक कर हो जाते हैं। ब्रिजटा देखे तो ब्रिजटा प्राय हो गल 28-30 বছরের কাছাকাছি আমাদের চোখের সামনে। মিনিমাম ব্রিজটা দেখে আমাদের খুবই ভয় লাগে, যা ঝঞ্ঝট এদিক দিয়ে শুরু হয়েছে, গাড়ি সমস্ত গাড়ি এই দিক দিয়ে পাস হচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রিজটা দেখে আমরা সত্যি খুব আতঙ্ক হয়ে আছি, মানে কোনো মুহূর্তে কোনো যখন তখন এই ব্রিজটা যা লোডিং হয়েছে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। এসব গাছপালা আছে, ব্রিজের অবস্থা খারাপ, ভয় খুব ভয় লাগছে থাকতে এইসব। इस वक्त हम खड़े हैं खिदिरपुर ब्रिज के सामने, जहां हम दिखाएंगे कि ब्रिज किस हालत में अभी है। इधर खिदिरपुर फ्लाईओवर में भी कई दरारें पड़ गई हैं, पौधे उग गए हैं, तो कहीं से पानी टपकता है। हम बता दें कि दुर्गापुर ब्रिज तथा खिदिरपुर फ्लाईओवर ये दोनों इसलिए अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि माजरहाट ब्रिज हादसे के बाद इन दोनों ब्रिजों को दोहरा भार झेलना पड़ रहा है। बारिश होने से यहाँ पानी गिरता है, दोनों तरफ पूरा पानी गिरता है, इधर से गिरता है, इधर से गिरता है। इसके लिए हम लोग कंप्लेन भी किए थे, वो लोग आए थे, इसका फोटो वगैरह सब लेके गए हैं, लेकिन इसके लिए फिर दोबारा कभी नहीं आया। वो इधर से तो इसी ब्रिज का ऊपर से पूरा नॉन स्टॉप लॉरी जा रहा, सब गाड़ी अब इधर ही से जा रहा, डॉक का जितना पोर्ट का जितना लॉरी माल लोड कर करके इसके ऊपर से जा रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है हादसा। दुकान में जब हम लोग बैठे रहते हैं, बड़ा बड़ा जो गाड़ी जो जाता है तो दुकान में थोड़ा वाइब्रेशन होता है, जैसा लग रहा है भूकंपों टाइप का, मतलब जलजला टाइप का नजर आता है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से साफ कह दिया है कि फ्लाईओवर व ब्रिज के नीचे कोई भी हॉकर्स या कोई भी ऐसे जबरन नहीं रह सकता है। इस स्थिति में अब हॉकर इस चिंता में बैठे हैं कि उनका अब रोजगार कैसे चलेगा, कैसे उनके घर का चूल्हा जलेगा। सुनिए उनका क्या कहना है। नहीं, समाधान कैसा, तो समाधान है तो नौकरी दीजिए तब हम लोग को, हम लोग तो अब बेकार हो जाएंगे ना, तो नौकरी दे दीजिए हम लोग को। मेरे पास 3 लेबर है, 3 लेबर कटता है, हॉकर हटा देगा मतलब तीनों लेबर का पेट का भी पेट किया। ऐसे भी ब्रिज के नीचे तो डेंजरस होता है, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग और कहीं मिलता नहीं, जगह नहीं मिला है, इसलिए यहीं पे अभी फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। कैमरामैन फतेह मुखर्जी के साथ में सविता सनमार्ग।